नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल द होम्योपैथिक वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं फिर आपके साथ जुड़ गया हूं एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 के बारे में और आपको जानकारी देंगे कि इसके अंदर क्या सिम्टम होता है, पेशेंट को कैसे ये फैलता है और इसके जो इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ये किस टाइप का वायरस है इन्फ्लुएंजा का। दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में मैं आज कवर करूंगा और आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो अपनी शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल के दिनों में आप सभी देख रहे होंगे कि बहुत से लोग इफेक्टेड हैं सर्दी जुकाम बुखार की वजह से। दोस्तों, इसे हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, जिसे हम फ्लू भी कहते हैं। फ्रेंड्स, फ्लू जो होता है वो कई तरीके का होता है। मेनली ये चार तरीके में डिवाइड होता है, ए, बी, सी और डी। इन्फ्लुएंजा वायरस ए, इन्फ्लुएंजा वायरस बी, इन्फ्लुएंजा वायरस सी और इन्फ्लुएंजा वायरस डी। मेनली जो सीजनल होता है उसे हम ए और बी में डिवाइड करते हैं। जो ए इन्फ्लुएंजा वायरस होता है और बी इन्फ्लुएंजा वायरस होता है वो सीजनल के दिनों में होता है। जैसे कि जब भी कभी मौसम चेंज हुआ, सर्द से गर्म, गर्म से सर्द, तो उसमें ये ज़्यादा इफेक्ट करता है इन्फ्लुएंजा वायरस ए और बी। इसी इन्फ्लुएंजा वायरस ए का सब टाइप है H3N2। इन्फ्लुएंजा वायरस ए के दो प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि H3N2 जैसा कि हम जो देख रहे हैं आजकल के सिनेरियो में, और दूसरा है H1N1 जिसे हम स्वाइन फ्लू कहते हैं। दोस्तों, अभी तक H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से 90 से ज़्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं, 90 से ज़्यादा केसेस दर्ज हो चुके हैं और लगभग 5 से 6 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। दोस्तों, H3N2 जो अपना इन्फ्लुएंजा वायरस है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा डेंजरस माना जा रहा है बाकी वेरिएंट से। दोस्तों, ये ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है जिसमें BP का इशू है, डायबिटीज़ का इशू है, लंग्स की कोई बीमारी है जैसे कि COPD, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, तो उन लोगों में ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रही है और जिसके वजह से कभी कभी पेशेंट को अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो उसमें जान भी उसकी चली जा रही है। फ्रेंड्स, बाकी ये सिम्टम इसके इन्फ्लुएंजा जैसे ही है, नॉर्मल जैसे फ्लू होता है उसी जैसे है, बट जिसमें इम्यूनिटी वगैरह वीक है या कोई बीमारी है जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, तो उसमें ये दिक्कत दे सकती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सिम्टम्स के ऊपर, क्या सिम्टम देखने को मिलेगा हमें H3N2 वायरस के अंदर। दोस्तों, ये एक एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो इसमें हमें सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में खराश, मिचली, उल्टी, दस्त, लगातार छींके आना, नाक से पानी आना, ऐसी समस्या हमें देखने को मिल सकती है इसमें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके ट्रांसमिशन के ऊपर, कैसे ये एक से दूसरे इंसान में फैलता है। दोस्तों, जब किसी को ये वायरस लग चुका होता है, अगर वो छींकता है, खांसता है या पब्लिक गैदरिंग में जाता है बिना मास्क लगाए या बिना प्रॉपर सैनिटाइजेशन किए या बिना कुछ प्रिकॉशन के, तो उससे ये दिक्कतें हो सकती है। अगर उसने छींका कहीं पे तो उसके वाटर ड्रॉपलेट्स जो होंगे वो एयर में मौजूद होंगे। दोस्तों, इससे ये दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। दोस्तों, अगर हाथ साफ नहीं है, अगर वो कहीं किसी सरफेस पे अगर उसके वाटर ड्रॉपलेट्स लग गए हैं तो उसको टच करता है तो उससे उसको इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों, ऐसा ही कोविड में भी हुआ करता था। तो फ्रेंड्स, जो भी इसमें ट्रांसमिशन होगा जैसे कोविड का होता था वैसे ही होगा। फ्रेंड्स, अब बात करें इसमें हम प्रिवेंट कैसे रख सकते हैं, क्या गाइडलाइंस है ICMR की और WHO की प्रिवेंशन के लिए। तो दोस्तों, इसमें हमें फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करना चाहिए, चाहे हम पानी से हैंड वॉश करें या सोप से हैंड वॉश करें, हमें फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करना चाहिए, हमें सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए, हमें मास्क उपयोग करना चाहिए ताकि जो हमें सर्दी जुकाम हुई है वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहीं बाहर ना सरफेस पर टच हो जिससे किसी और को प्रभावित हो और इसके ट्रांसमिशन बहुत ही ज़्यादा फैले। तो दोस्तों, ये भी हमें खास ख्याल रखना है, हमें कहीं पे ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे हमारी आवश्यकता ना हो, जैसे पब्लिक गैदरिंग पे बेवजह नहीं घूमना टहलना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने घर में भी हैं तो भी खांसते छींकते वक्त अपने मुंह को, नाक को कवर करें। दोस्तों, हमें अपने आप को हाइड्रेट रखना है, चाहे हम पानी पिए या फलों के जूस पिए, तो दोस्तों किसी भी तरीके से हमें अपने आप को हाइड्रेट रखना है, डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। दोस्तों, इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं करना है। अगर फीवर बहुत ज़्यादा तेज आ रहा है तो हमें पैरासीटामोल का उपयोग करना है। फ्रेंड्स, ये तो रहा प्रिकॉशन और मैनेजमेंट, कैसे हम इससे मैनेज कर सकते हैं और कैसे हम इससे बचे रह सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो होम्योपैथी से ठीक नहीं हो सकती दोस्तों, क्योंकि होम्योपैथी में किसी बीमारी का इलाज होता ही नहीं, होता है तो उसके सिम्टम्स का इलाज, सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन चलाई जाती है और सिम्टम्स दूर होते हैं दोस्तों। उसी तरीके से इसमें भी हम कुछ प्रिकॉशन मेडिसिन दे सकते हैं, और अगर बीमारी हो चुकी है, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो चुका है, फीवर बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहा है, खांसी नहीं ठीक हो रही है किसी मेडिसिन से, तो इसमें हम सिम्टोमेटिक मेडिसिन देंगे जिससे आपको बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा और बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। तो दोस्तों इसमें हम जो पहले बात करेंगे उसमें हम बताएंगे आपको प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन के बारे में, जो बचाव करेगी इस वायरस से, H3N2 वायरस से। दोस्तों अगर बात करें बचाव के तौर पर तो हमें लेना चाहिए ऑसिलोकोकिनम। फ्रेंड्स ऑसिलोकोकिनम हमें 200 पोटेंसी में लेना है सिंगल डोज, हफ्ते में एक बार। दोस्तों ये थोड़ा रेयर मेडिसिन है, हो सकता हो आपको हर जगह पे ये अवेलेबल ना मिले, तो इसकी जगह पे आप इन्फ्लुएंजिनम भी ले सकते हैं। इन्फ्लुएंजिनम भी हमें 200 में लेना है, इसे भी हमें हफ्ते में एक बार लेना है बचाव के तौर पर। फ्रेंड्स इसके साथ साथ आप आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में ले सकते हैं 3 दिन तक खाली पेट। फ्रेंड्स प्रिकॉशन की जो मेडिसिन होती है वो ज़्यादातर खाली पेट ही हम आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों जब आप इन्फ्लुएंजिनम लेते हैं या ऑसिलोकोकिनम लेते हैं 200 में, तो भी इसे आप खाली पेट लेंगे, इसे केवल आप हफ्ते में एक बार लेंगे, और आर्सेनिक एल्बम 30 आप 3 दिन खाली पेट लेंगे सुबह सुबह। तो दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल ही आप इससे बचे रह सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी इससे मेंटेन होगी और फ्लू वायरस से लड़ने की क्षमता आपके शरीर में बनेगी। दोस्तों बात करें अगर ट्रीटमेंट के तौर पे तो हमें इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना चाहिए, जैसे कि अगर तुरंत तुरंत हुआ है तो उसमें एकोनाइट हम दे सकते हैं, जलन के साथ है बहुत ही ज़्यादा शरीर में जलन हो रहा है बुखार के साथ साथ, तो इसमें हम आर्सेनिक वगैरह प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बेलाडोना प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जलसीमियम दे सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है शरीर में जो कि होता ही है इसमें, तो ऐसे कंडीशंस में इपिटोरियम दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों बिना किसी डॉक्टर के आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी है, पहले आपको जाके किसी अच्छे होम्योपैथ से कंसल्ट करना है, फिर ही कोई मेडिसिन लेनी है। दोस्तों एक बात आप खास ख्याल रखें कि इसमें आप चाहे एलोपैथी की मेडिसिन हो या होम्योपैथी की मेडिसिन, अपने मन से कोई भी मेडिसिन ना लें, क्योंकि WHO द्वारा ICMR द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है कि कोई भी एंटीबायोटिक्स अगर आप अपने मन से लेते हैं या अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर से पूछ के ले लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको घात ही करेगा, आपको नुकसान ही करेगा, फ़ायदा तो वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है नॉट बैक्टीरियल डिजीज़। सो दोस्तों आपको इसमें एंटीबायोटिक्स तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। अगर कोई डॉक्टर आपको कहते हैं कि नहीं इसमें लेना है, उनको कुछ दिखता है ऐसा, तो आप लें बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, ना आप होम्योपैथिक दवा लें और ना ही एलोपैथिक मेडिसिन। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।